की है, वीआईपी की है, देश के नेतृत्व की है या एक परिवार की है, इसकी स्पष्टता को। और मान्यवर, उसके बाद डॉक्टर मनमोहन सिंह अभी अभी प्रधानमंत्री है, इसी नियम के अंतर्गत मनमोहन सिंह की सुरक्षा छीन ली, बदली गई, वो शब्द प्रयोग करे छीन ली नहीं गई है बदली गई। मगर तब भी किसी ने वो हल्ला नहीं किया, क्यों? डॉक्टर मनमोहन सिंह देश के नेता नहीं है, पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, आपकी पार्टी के ही है। नरसिम्हा राव भी आपकी पार्टी के थे, मनमोहन सिंह भी आपकी पार्टी के थे, क्यों भला आपने चिंता व्यक्त करने की? ये चिंता व्यक्त करने के दो मापदंड क्या है वो देश की जनता को समझने चाहिए। ये केवल और केवल एक परिवार की चिंता, ये सुरक्षा की चिंता नहीं। और एसपीजी को एक स्टेटस सिंबल बनाया गया, हम जनता से अलग है, जनता से अलग कोई नहीं होता, प्रधानमंत्री भी नहीं होते, मगर क्योंकि वो राष्ट्राध्यक्ष के रूप में काम करते हैं, हेड ऑफ द स्टेट है, इसलिए उनके पूरे संचार व्यवस्था को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनके कार्यालय को सुरक्षित रखना जरूरी है, इनके विदेश के दौरों को सुरक्षित रखना जरूरी है, उनकी आरोग्य की चिंता भी एक स्पेशल तरीके से करने की जरूरत है। जब तक वो प्रधानमंत्री है, एसपीजी ग्रुप करता है, जैसे हमारे राजीव रंजन जी ने कहा कि भाई 5 साल बढ़ाने की भी जरूरत, भाई इतने में ही राजीव रंजन जी इतनी हाई तो बहुत बची है, बाद में क्या कर लेंगे।